नमस्कार, खबर दिनभर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने ऑड इवन को फिर से लागू करने का फैसला लिया है। 13 नवंबर से राजधानी में ऑड इवन लागू किया जाएगा, जो कि 20 नवंबर तक रहेगा। ये फैसला दिल्ली सरकार ने आज प्रदूषण के मुद्दे पर हुई बैठक में लिया। दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू रहेगा। इस दौरान राजधानी में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कार पर बैन जारी रहेगा। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में अब किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होगा। 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की फिजिकल क्लास 10 नवंबर तक बंद रहेगी। टेम्परेचर का लगातार गिरना और हवा की स्पीड 30 अक्टूबर से लगातार ठहराव की स्थिति में है। बहुत ही लो गति जो है वो हवा की दर्ज की जा रही है। हमने ये देखा है कि 30 अक्टूबर को दिल्ली का AQI का जो स्तर था वो 347 था, 31 अक्टूबर को 359 हुआ, 1 नवंबर को 364 हुआ, 2 नवंबर को 392 हुआ, 3 नवंबर को 468 हुआ, 4 नवंबर को 415 था, फिर 5 नवंबर को बढ़ करके 454 हुआ और आज ये पुनः उसमें सुधार दर्ज किया गया है और ये 468 तक जो चला गया था वो अब कम होकर के 436 रहा है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर ऑड इवन क्या होता है। क्या होता है ऑड इवन? मैथ्स की भाषा में यदि समझे तो 1, 3, 5, 7 और 9 को ऑड नंबर कहा जाता है और इसी तरह 2, 4, 6, 8 और 0 को इवन नंबर कहा जाता है। अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर 1, 3, 5, 7, 9 है तो आप महीने की 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15 तारीख को ही गाड़ी चला सकते हैं। वहीं अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर 2, 4, 6, 8, 0 है तो आप महीने की 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तारीख को गाड़ी निकाल पाएंगे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। महादेव आपको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर चौतरफा हमला किया है। बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभालते हुए क्या कहा है आपको सुनाते हैं। मैं स्तब्ध हूँ कि भारतीय राजनीति में पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी दुबई के माध्यम से हवाला ऑपरेटर्स के सहयोग से अपना चुनाव लड़ रही है। कल रात को जिस प्रकार से महादेव ऐप को चलाने वाले व्यक्ति ने खुलासा किया कि उन्होंने भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए की घूस दी है, साथ ही उस व्यक्ति ने यह भी कहा है कि उसके पास साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। ये बात छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि भूपेश बघेल की जो सहयोगी हैं सौम्या जी, वो वर्तमान में हिरासत में है एक और घोटाले के लिए, कोयला घोटाले के लिए। एक और पत्रकार का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो भूपेश बघेल जी से देवर परिवार के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछ रहे हैं और ये वो परिवार है जो शराब घोटाले में लिप्त है। तो जो जिनको भूपेश जी जानते हैं, भूपेश जी ने स्वीकार किया है वो जानते हैं, वो प्रदेश में 2000 करोड़ का घोटाला शराब के माध्यम से कर चुके हैं। भूपेश बघेल जी जो नाटक कर रहे हैं कि नहीं जानता, उससे 500 करोड़ रुपए वसूल लिया है। शिकायत जब महादेव में सारे चीज प्रमाणित हो गए हैं, 509 करोड़ का ट्रांजेक्शन प्रमाणित हो चुका है, सारे दस्तावेज 5,37,00,000 रुपया कुरियर के पास जो दुबई से आया था जब्त हो गया है, उस व्यक्ति ने नाम ले दिया है, उसने लिंक बता दिया है, ट्रांजेक्शन के जितने इनपुट है वो खुद ईडी के पास उपलब्ध है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, और वो खुद इस ऐप को चलाने वाला सोनी सार्वजनिक रूप से बोल रहा है कि मुझसे पैसा लिया गया है और मुझे बार बार बात किया गया है। डॉक्टर साहब की जो लड़का आरोप लगाया है उसमें भूपेश बघेल जो उसके आदमियों का फंडिंग हुआ है, राहुल गांधी और भूपेश बघेल जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देना चाहिए, साफ साफ सोनी बोल रहा है जो इस पूरे ऐप का अपने आप को महादेव ऐप का संचालक बताता है, सार्वजनिक बयान दे रहे हैं, टीवी में चल रहे हैं,
इसके बाद तो भूपेश बघेल को अपने पद में बने रहने का नैतिक अधिकार समाप्त हो गया है। उसको मुख्यमंत्री पद को छोड़कर और कहना चाहिए जब तक जांच पूरी नहीं होगी मैं इस पद में नहीं बैठूंगा, एक ही रास्ता है। नहीं, मुझे इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि जहां तक मैंने मीडिया में देखा हूं कल हमारे कलीग स्मृति ईरानी जी डिटेल में इसमें स्टेटमेंट दिया है। मुझे इतना ही कहना है जब जो पकड़ा गया है आरोपी वो जब एक्यूज्ड उन्होंने कहा है जिसको पकड़ा गया है उन्होंने कहा है 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री को डिलीवरी मैंने किया हूं ऐसे उन्होंने कहा है। यस एलेज्ड दैट मुख्यमंत्री को प्रमोटर्स ने पैसा दिया है तो ये पहले 5 करोड़ दिया है और इसका इसमें आरोप है 500 करोड़ का। वहीं बिहार में अमित शाह की रैली के बाद जातीय जनगणना को लेकर सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव और सुशील मोदी ने एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़े हैं। जहां राजद के मंत्री हैं सरकार में, कांग्रेस के 4 मंत्री हैं, राजद के 1 मंत्री हैं, उन लोगों ने तो पंचायत का चुनाव बिना ओबीसी को आरक्षण दिए करा दिया। तो ललन जी, हमसे सवाल पूछने के पहले जिस गठबंधन में आप हैं उस गठबंधन के नेताओं से पूछिए कि आज तक उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में जातीय गणना क्यों नहीं कराई, और जब चुनाव नज़दीक आया, जब चुनाव का ऐलान हो गया, तब राजस्थान को याद आया, तब कह रहे कि छत्तीसगढ़ में कराएंगे। तो इनको कोई जातीय गणना से मतलब नहीं है, ये लोग जात के नाम पर देश को बांटने का, समाज को बांटने का प्रयास करें। और देखिए, अमित शाह जी ने कल ठीक ही कहा कि यादव और मुस्लिम की संख्या को बढ़ा दिया गया। देखिए, 1931 में जातीय गणना हुई थी, उस समय बिहार के अंदर 12.7% यादव थे, उनकी संख्या बढ़कर 14.3 हो गई। अब मुसलमानों की आबादी 1931 के अंदर, आज का जो बिहार है उसमें 14.6 था, जो बढ़कर 17.7 हो गया। तो आपकी जो लालू जी के दबाव में कुछ जातियों की संख्या बढ़ा दी गई, और जो अति पिछड़ा समाज है जिसको आप कहें कि 36% है, वो 36 से काफ़ी ज़्यादा है। पिछड़ा और अति पिछड़ा को कम किया गया, अब फिर बोलते हैं यादव का बढ़ा दिया गया, क्या ज्यादा पिछड़ा नहीं है क्या? तो 1931 का आंकड़ों में 11% यादव था, 11% तब था जब उड़ीसा और झारखंड साथ थी, तो अलग हुआ है, दिन बढ़ा है, तो उतना आप देख लीजिए उतना ही संख्या। और जहां तक माइनॉरिटी की बात है, माइनॉरिटी का तो हर साल मतलब हमेशा होता रहा है, तो वो तो सबके सामने है, तो इसे बेबुनियाद आरोप लगाने से कोई मतलब नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, बढ़ा दिया गया या घटा दिया गया तो कौन सा आधार पे बोल रहे हैं? अनुमान एक, हम लोग के पास तो साइंटिफिक आंकड़ा है भाई, उनके पास कौन सा आंकड़ा है ये ना बताइए, बढ़ाया या घटाया, इसी बेस पे ना बोलेंगे, कौन से बेस पे बोल रहे हैं? इंडिया गठबंधन में पड़ी दरार के बाद अखिलेश यादव अब लगातार पीडीए पर जोर दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से पीडीए की बात दोहराई है। अगर आपने पहले दिन से समाजवादियों के सिद्धांत के बारे में जाना होगा तो समाजवादियों ने पहले ही दिन कह दिया था कि इंडिया गठबंधन की ताकत पीडीए बनेगा, और पीडीए ही स्ट्रेटेजी है जो इंडिया गठबंधन या किसी गठबंधन को ताकत देगा। मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे जो देश में माहौल बन रहा है, पीडीए की ही ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से हटाने का काम करेगी। आपने अगर हमारी पहले दिन से, इसीलिए मैंने कहा, अगर पहले दिन से आपने हमारी खबरों को और समाजवादी पार्टी के सिद्धांत को समझा होगा, यही कहा है कि इंडिया की अगर कोई स्ट्रेटेजी है तो हमारी पीडीए है। पिछड़े दलित और आदिवासी या अल्पसंख्यक मुसलमान भाई ही इस देश को भारतीय जनता पार्टी से बचा सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। प्रयागराज में अतीक अहमद की बेनामी और अवैध संपत्ति की कुर्की हुई है, जहां पुलिस के द्वारा 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है। ये जमीन कुल 16 जगहों पर थी जो कि 20 बीघा जमीन थी।
रायबरेली में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वहीं घटना को अंजाम देने वाला 55 साल का आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। रोहतास में ममता कार्यकर्ता संघ के बैनर तले सासाराम में सिविल सर्जन कार्यालय के पास प्रदर्शन किया गया। बता दें कि बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सम्मानित अध्यक्ष शंभुनाथ पांडे के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। वहीं संघ के सम्मानित अध्यक्ष शंभुनाथ पांडे ने बताया कि सरकार ने पिछले चुनाव में ममता कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवक घोषित करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक ये कार्य नहीं किया गया है, उनका पारिश्रमिक भी नहीं बढ़ाया गया, जिसके कारण कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। खबर सीतापुर से है, जहां बीती 1 नवंबर को पुलिस विभाग के द्वारा ट्विटर हैंडल पर यातायात माह के कार्यक्रम के आयोजन का वीडियो डाला गया, जिसमें पुलिस कर्मियों के द्वारा यातायात माह के अवसर पर सुरक्षा के तहत लोगों को जागरूक किया गया था। लेकिन उस वीडियो को इंडिया वॉइस की टीम ने जब बारीकी से देखा तो रैली में प्रयोग किए गए ज्यादातर वाहनों में नंबर प्लेट ही नहीं थी, और बहुत से वाहनों पर आगे पुलिस का लोगो लगा हुआ था। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बिना नंबर प्लेट की बाइक से जागरूक कर रही थी पुलिस, बाइक में नंबर की जगह पुलिस का लोगो लगा हुआ दिखाई दिया। अशोकनगर में बसपा प्रमुख मायावती का कहना है कि शुरू से ही सभी विपक्षी दलों के नेतृत्व वाली सरकार कुछ जातियों के प्रति घृणित मानसिकता खराब कर रही है, साथ ही साथ संवैधानिक अधिकारों विशेषकर सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण को अप्रभावी और धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। रायबरेली में अज्ञात बदमाशों ने दलित नाबालिग की पिटाई कर दी है। बता दें कि रस्सी से गला बांधकर मौत के घाट उतारने का प्रयास किया गया है। बताया जा रहा है कि खेत की रखवाली करने गया दलित नाबालिग के सहयोग से चोरी की घटना को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन सहयोग ना मिलने पर बदमाशों ने हमला कर दिया। घायल दलित नाबालिग की हालत गंभीर बताई जा रही है, वहीं घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के मीठापुर गांव की बताई जा रही है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की, अयोध्या से खबर है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर के गर्भगृह में हुआ अक्षत पूजन, वैदिक विद्वानों के साथ हुआ अक्षत पूजन। अक्षत पूजन के बाद कई शहरों में भेजा जाएगा अक्षत। अक्षत को ले जाने के लिए 500 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे अयोध्या। बदायूं के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांधी ग्राउंड में शब्बीर गेट के सामने एसओजी में तैनात सिपाही लोकेंद्र ने ऑटो चालक को जमकर पीटा। एसओजी में तैनात सिपाही लोकेंद्र की बाइक ऑटो से टच हो गई। इसी बात को लेकर एसओजी ने तैनात सिपाही लोकेंद्र आग बबूला हो गया और फिर उसने ऑटो चालक की जमकर पिटाई की। ऑटो चालक मीरा जी की चौकी पर मोहल्ले का निवासी है और उसका नाम करण बताया जा रहा है। फिलहाल ऑटो चालक के मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं और उसे अपना अस्पताल में इलाज कराया है। वहीं एसओजी पर तैनात सिपाही ने ऑटो चालक को जेल भेजने की धमकी भी दी। एसओजी में तैनात सिपाही के द्वारा मारपीट करने का राहगीरों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल एसओजी में तैनात सिपाही की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट के क्षेत्र में पक्की सराय के एक मोहल्ले में मोहल्लेवासियों ने भाजपा के एससी मोर्चा के दबंग नेता से परेशान होकर घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगा दिए। बता दें कि अर्जुन माहौर नाम का एक युवक खुद को भाजपा का एससी मोर्चा का नेता बताता है और आए दिन
अपने दोस्तों के साथ शाम के समय मोहल्ले में चौक पर बैठकर शराब पीकर आती जाती युवतियों से छेड़खानी करता है, गंदी गालियां भी देता है और SC ST के मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देता है, जिससे मोहल्ले वासी परेशान हो गए। हालांकि इसकी शिकायत कई बार थाने पर की गई लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते मोहल्ले वासियों ने हार कर अपने घरों पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा दिए हैं। आगरा के खदौली क्षेत्र के व्यापारी मोहल्ला में पुराने विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। बता दें कि दोनों तरफ से पथराव और जमकर मारपीट हुई है, साथ ही कई राउंड फायरिंग भी की गई। बताया जा रहा है कि पथराव में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं तो वहीं सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि सर्किल का फोर्स और पुलिस मौके पर पहुंचे हैं, तीनों लोगों को हिरासत में लिया है। और इसके बाद अगली खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। अलीगढ़ में SSP ऑफिस के सामने दबंगई सामने आई है, जहां मामूली सी बात पर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो राहगीरों ने बनाया है। SSP ऑफिस के सामने ये घटना घटी है। झारखंड में ईडी की तरफ से माइंस घोटाले के साथ ही अवैध जमीन की खरीद बिक्री करने में जांच में एक ऐसा मामला सामने आया है जो चिंता का विषय बनता जा रहा है। दरअसल जांच के दौरान ईडी की टीम को इस बात की जानकारी मिली है कि इस मामले में ईडी की गिरफ्त में आए अधिकारियों के साथ ही साथ राजनीतिक दल के नेता और कारोबारियों ने मिलकर ईडी के खिलाफ ऐसी साजिश रची है, जिस पर अब गृह मंत्रालय भी चिंतित है। ईडी की टीम ने पिछले हफ्ते जब जेल में छापा मारा तब कुछ ऐसे खुलासे सामने आए हैं जो चिंता का विषय है। बीजेपी ने ईडी के खिलाफ जेल के अंदर साजिश रच जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने साफ कहा है कि ईडी की टीम को जानकारी मिली है कि ईडी के परिवार और उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सली संगठनों का सहारा लिया जा रहा है, साथ ही किसी महिला के माध्यम से ईडी की टीम को फंसाने की पहल की गई। इस पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए। चिंतनीय विषय पर हम प्रेस वार्ता करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।